हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो जम्मू कश्मीर सेट 2024 एग्जामिनेशन में लगभग सिर्फ 40 दिन का समय बाकी रह गया है और ऐसे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स में यही कंफ्यूजन है कि अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है हमने, तो क्या 40 दिन पढ़कर हम पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं? आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब डिस्कस करेंगे और आप लोगों को मैं कुछ ऐसे टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगी जिनको अगर आप ये 40 दिन फॉलो करते हो तो गारंटी है कि आप लोगों का पेपर बहुत आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। तो चलिए फिर डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, आगे आने वाले 40 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप लोग 40 दिन में इस पेपर की बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन सा वो टॉपिक या कौन सी वो यूनिट या फिर कौन सा वो पेपर ऐसा है जो कि आपको सिलेक्शन लेने में मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स, 40 डेज में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना फोकस करना है पेपर वन की ओर। पेपर वन जो है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 100 मार्क्स का ये पेपर आता है, जिसमें से अगर आप 100 में से 80 प्लस स्कोर कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। एंड आप लोगों को 40 डेज में पेपर वन की तैयारी करने के लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच हमारा आज यानी कि 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की सबसे खास बात तो ये है कि इसमें आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जिसके साथ आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस बैच की और खास बात ये है कि आप के जो भी बच्चे होते हैं, देखिए सबको लगता है कि नोट्स बनाने में बहुत समय बर्बाद होता है, तो ऐसे में आप लोगों को हम हर क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी मेरी लाइव क्लास होगी, हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी ताकि नोट्स भी ना बनाने पड़े और डायरेक्टली आप वहाँ से चीज़ें अपनी समझते रहो। एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। अपडेटेड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक या किस यूनिट में से कैसे सवाल आते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब 40 दिनों में आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आप लोगों की रिवीजन करना, आप लोगों को प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको दूंगी। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक यूनिट के अलग अलग पीडीएफ आपको मिलेंगे। आप जिस यूनिट की कॉन्सेप्ट या जिस यूनिट की क्लासेस ले रहे हो उसी यूनिट के पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसकी भी खास बात आपको एक और बताती हूँ कि इसमें आपके जम्मू कश्मीर सेट एग्जामिनेशन के अलावा जो अदर स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशन होते हैं उसके भी पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, जो कि गारंटेड पेपर में आते हैं। लास्ट ईयर भी 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस हमारे इसी क्वेश्चन बैंक में से देखने को मिले थे। उसके बाद ये अपडेट किया गया है, 2023 और 24 में जो भी सेट एग्जाम्स हुए हैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोगों के लिए ये बेस्ट कोर्स है। 40 डेज इसको फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली रेगुलर क्लासेस लगाइए। देखिए 2 से 3 क्लासेस आपको यहाँ पर रोज मिलेंगी, तो 40 डेज में बहुत इजीली आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फीस देने से पहले या कुछ भी करने से पहले आप लोग फ्री वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिलेंगी। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाइए, यहाँ पर आप देखोगे बहुत से फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। सेपरेट ये वाला मेरा कोर्स है, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल, जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, सेपरेट इंग्लिश कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे। एग्जाम के लेवल के हिसाब से हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और भी कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स, तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस कोर्स की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो 40 डेज प्लान में यही चीज़ आपको सबसे पहले बताई है, एक बार फिर बता रही हूँ कि 40 डेज में जेके सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना बिल्कुल पॉसिबल है। इस चीज के लिए आप लोगों को किसी भी तरीके का हार्ड वर्क नहीं करना है, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क के लिए ही एक स्मार्ट कोर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी अगर हम लोग करेंगे, एग्जाम के लेवल को समझ के, पेपर के अपडेटेड पैटर्न को समझ के,
PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम तैयारी करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करने से। और पेपर टू की भी अगर मैं बात करूँ तो पेपर टू के लिए स्टूडेंट्स आप लोग जितने ज़्यादा हो सके PYQs प्रैक्टिस कीजिए, अपने JK सेट एग्जाम के PYQs प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अदर स्टेट्स के जो सेट एग्जाम है UGC नेट में अगर आपका सब्जेक्ट इंक्लूडेड है तो उसके PYQs प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाहर से पेपर वन और पेपर टू में कुछ भी नहीं आएगा, तो ये गारंटी है कि इस चीज को फॉलो करिए 40 डेज, आप लोगों को खुद एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपके काफी सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और साथ ही फिर रिपीट कर रही हूँ कि 2 व्हाट्सएप नंबर्स अपने में दे रही हूँ, आप इन पर आसानी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो चलिए फिर एंड करते हैं डिस्कशन को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।